Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. Finally guys, ब्रह्मास्त्र हम फिर से लेके आ चुके हैं और आज हमें करना है मेगा कैमरा कंपैरिजन। वैसे आज मैं आपको चार फोन साथ दिखाने वाला हूँ, एक मैंने इसे बैकअप में ले रखा है। फोन आप देख सकते हैं, न्यूली लॉन्च पोको F5, वीवो V27, पोको F4, नथिंग फोन 1, गूगल पिक्सल 6a, ये सारे के सारे बेस्ट फोन्स हैं इस प्राइस रेंज के। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस, कौन सा फोन ज्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ कैमरा। फर्स्ट गाइस हम वीडियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 4K60 कुछ फोन्स में है, कुछ फोन्स में 4K60 नहीं है, तो आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अभी सन जस्ट मेरे सामने है और अराउंड 5 PM हो रहे इवनिंग के, तो बहुत रोशनी भी नहीं है, बहुत डार्क भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते होंगे जैसे कि स्किन टोन कैसा आ रहा है, ह्यूमन सर्फेस के आप फेसेस के वीडियोस बनाते हैं कैसा रहा है, डायनमिक रेंज कैसी है आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर स्काई है। जस्ट नाउ अभी रेन हुआ है, बारिश हुई है, ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा क्वालिटी कैसी आ रही है और डेप्थ कितना बेटर आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे जो अगर फ़ोन अपने आप ऑटो फोकस में डिटेक्ट कर लेता है तो ब्लर किस फ़ोन में कितना अच्छा रहा है। क्विक जूमिंग टेस्ट गाइस, किस फोन से आप बेटर जूम कर सकते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। पिक्सल में मैक्सिमम 5x है, आफ्टर दैट नथिंग में आप मैक्सिमम 6 up to 10 जा सकते हैं, वीवो में भी आप 6 and 10 जा सकते हैं, पोको F5 में मैक्सिमम 6x है। सबसे बेस्ट यहाँ पे वीडियो में से जूमिंग कैपेबिलिटी दिख रही है, वो गूगल पिक्सल में नजर आ रही है। 4K60 गाइस आपने देख लिया, अगर आप पिक्सल के 4K60 से कंपेरिजन देखते हैं। अब 4K30 में सारे फोन्स हैं, यहाँ पे वीडियोस ज़्यादा स्मूथ भी होने चाहिए, ज़्यादा स्टेबल भी होने चाहिए। लेट्स सी, अल्ट्रा वाइड वीडियोस आप ज़्यादा फिल्म करते हैं तो हियर इज अ क्विक अल्ट्रा वाइड टेस्ट। अभी आप 1080p में वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस फोन में क्वालिटी बेटर है। वैसे 1080p बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड आपकी प्रायोरिटी आपको नथिंग फोन 1 और पिक्सल भी देना चाहिए, बिकॉज 4K में आप बढ़िया शार्प डिटेल्ड अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं। वीवो में थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, पोको भी ओकेज काइंड ऑफ है। टाइम फॉर दी सेल्फी वीडियो टेस्ट, ज़्यादा रील्स बनाते हैं, ऑफकोर्स आपको वीडियोस अच्छे मिलने चाहिए फ्रंट कैमरे से। वेल, आप अपने थॉट्स बता सकते हैं किसमें कैसा आता है। वीवो को छोड़ के बाकी सभी फ़ोन में आप जस्ट 1080p 30fps कर सकते हैं और वीवो में 4K, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा शार्पनेस अच्छी मिल जाएगी। वैसे कमाल तो गूगल के फ़ोन में भी है गाइस, जस्ट 1080p में आप देख सकते हैं कलर कंट्रास्ट सभी कुछ बहुत अच्छा है। आफ्टर दैट नथिंग फोन भी ठीक है, पोको में सेल्फी वीडियो उतने बेटर है नहीं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिसिंग टाइप का लग रहा है। डायनेमिक रेंज भी ओकेज काइंड ऑफ है, तो सबसे बेस्ट सेल्फी आपको मिलेगी पिक्सल में, फॉलोड बाय वीवो पे आप जा सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस, किस फोन से आप बेटर हायर में पिक्सल की शॉट ले सकते हैं। वैसे सारे फोन नियरली क्लोज हैं, लेकिन समहाउ पोको में क्वालिटी बढ़िया आ रही है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स आप ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तो मैं आपको दो फोन स्टेट में बताता हूँ जिसपे आप पिक कर सकते हैं। ऑफकोर्स नथिंग फोन में आपको अल्ट्रा वाइड बहुत ही बढ़िया मिलेगा, पिक्सल ज़्यादा है तो डायनेमिक रेंज डिटेल्स अच्छी मिलती है, एंड समहाउ वीवो में भी फोटोज़ बहुत ही अच्छी आ रही, नेचुरल एंड विद दी बेटर डायनेमिक रेंज। थोड़ा सा गाइस मून शॉट लेते हैं, हमारा गैलेक्सी तो नहीं लेकिन हम नॉर्मल शॉट लेके ट्राई करते हैं। सबसे बेस्ट आपको जूमिंग कैपेबिलिटी चाहिए, विदाउट टेलीफोटो तो आपको गूगल पिक्सल पर जाना चाहिए। शॉट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे आते हैं, बट यस ज़्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वीवो में बेटर शॉट पा सकते हैं। नथिंग में सरप्राइजिंगली 20x आप कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो पिक्सल एंड वीवो इज़ बेटर फॉर जूमिंग टेस्ट। इंस्टाग्राम पे शेयर करने के लिए आपको पोर्ट्रेट चाहिए ना, तो सबसे बढ़िया शॉट आपको मिलता है वीवो V27 पे। थोड़ा सा वाइब्रेंट है लेकिन सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं, एज डिटेक्शन काफ़ी प्रॉपर है वीवो V27 में। कलर एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, सबसे बढ़िया आपको जो यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहा होगा, ऑफकोर्स नथिंग फोन 1 और पिक्सल 6 में थोड़ा सा क्लोज लुकिंग ज़्यादा है, पोको में आपको देखेंगे वाइब्रेंट बहुत ज़्यादा फोटोज जा रही हैं और वीवो में भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। ऐसा नहीं कि फोटो बैड है, बट समटाइम थोड़ी सी अननेचुरल ज़्यादा फील होती है, तो सबसे बेस्ट शॉट अभी अगेन आपको मिल सकता है नथिंग फोन 1 एंड गूगल पिक्सल 6a में। कंप्लीट डुअल लाइट फोटोज टेस्ट करें, यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट
थोड़े से आपको अलग से मिलेंगे, जैसे कि वीवो में शॉर्ट मोस्ट ऑफ टाइम्स ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। नथिंग भी ठीक है, अगर लाइट रेडिएशन थोड़ी सी अच्छी होती है, पोको में थोड़ा सा कलर आपको इन्हेंस नजर आएगा, पिक्सल काइंड ऑफ लाइक एवरेज है, सम टाइम ओके आता है, सम टाइम थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। जैसे कंप्लीट टू लाइट में देखेंगे पिक्सल उतना बढ़िया नहीं है, एंड नथिंग पोको भी ऐसे ही है, लेकिन नाइट मोड ऑन करते हैं तो वीवो एंड पिक्सल में शॉट्स अच्छे आ जा रहे हैं। सो यस, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप ब्लू लाइट में कितनी फोटोज लेते हैं, तो वीवो नथिंग एंड पिक्सल अच्छा काम कर रहे हैं इन दी लो लाइट में। एंड एट द लास्ट गाइस, सेल्फीज की बात कर लें, सेल्फी यहाँ पे सबसे बढ़िया आपको पिक्सल की नज़र आ रही है, बिकॉज काफ़ी क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉट्स आ रहे हैं, पोर्ट्रेट इफेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है। सो इन द कंक्लूजन, में कौन सा फोन गाइज आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है? देखिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नथिंग फोन अभी भी काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा मिलता है, OIS है, 4K कैपेबिलिटी भी दी गई है, पिक्सल में ठीक है, लेकिन पिक्सल में लाइक अल्ट्रा वाइड डिटेल थोड़ी सी मिसिंग हो जा रही है, लेकिन सेल्फी यहाँ पे काफ़ी कमाल की है। स्टॉप फोन चाहते हैं देन आपके लिए पिक्सल जाना चाहिए, अगर नथिंग चला सकते हैं देन वो भी ठीक है। वीवो में शॉट्स अच्छे आ रहे हैं, पोको में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, जबकि मे बी विद टाइम कुछ सॉफ्टवेयर बिट्स आएगा तो शायद क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियर विनर अगेन नथिंग एंड पिक्सल है, फॉलोड बाई वीवो है, एंड एट द लास्ट यहाँ पे पोको है।